हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अरे दोस्तों, मैं घर आ गया हूँ और मैं बोला था आप सभी को कि जब तक मेरी मम्मी मानेगी नहीं तब तक मैं घर आता रहूँगा। दोस्तों, मैं घर आ गया हूँ और मम्मी है नहीं घर पे, शिव चर्चा में गई है। बहन लोग बता रही हैं कि मम्मी शिव चर्चा में गई है और बहन बोल रही है कि क्यों आ गए फिर घर, और मम्मी फिर डांटेगी, इससे बढ़िया नया होता काहे डांट सुनता। तो मैं बोला कि मैं उन लोगों की भी बोला और आप लोगों से भी मैं बोला था कि जब तक मेरी मम्मी मानेगी नहीं, मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, तब तक मैं रोज़ आता रहूँगा। और आज मैं बोल रहा हूँ, आज मैं आया हूँ, अगर आज मेरी मम्मी मान जाएगी तो मुझे पता है कि मैं मना लूँ। देखिए मेरी ज़ुबान से क्या निकल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मना लूँगा, मुझे पता है, मुझे यकीन है मैं मना लूँगा, लेकिन अगर आज मान जाती तो अच्छा है, नहीं मानेंगी तो मैं आज खलीलाबाद चला जाऊंगा दोस्तों। और बहन चिल्ला रही है, कुछ कर रही है। और दोस्तों, बहुत टेंशन है, मैं क्या करूं। यही है कि प्यार करके कभी शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्यार करो एक बार बता दो, अगर मम्मी माने, अगर एक्सेप्ट करें तभी शादी करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। और देखिए, माँ बाप भी कभी गलत नहीं सोचते हैं, लेकिन हाँ देखिए, गलत मैं क्या बोलूँ, माँ बाप कभी किसी का गलत नहीं सोचते हैं, लेकिन देखिए दोस्तों, अगर प्यार हो जाता है ना तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं मानता हूँ कि मम्मी पापा से बढ़ के उसका प्यार नहीं है, लेकिन प्यार मतलब दोनों किसी को नहीं छोड़ सकते, ना मम्मी पापा को छोड़ सकते, ना उसको छोड़ सकते, यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। और मैं दोस्तों दोस्त के घर रह रहा हूँ और मुझे मेरे ऊपर क्या बीत रही मैं जान रहा हूँ। प्रीति के पास कॉल लगाया और फिर मैं बोला कॉल उठा लेगी, बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। अब प्रीति भी कॉल नहीं उठा रही है, ना बात कर रही है मेरे से, पता नहीं क्या कर रही है, पता नहीं लग रहा है उसको। उसकी मम्मी भी उसको डांटी है, बहुत डिमोटिवेट चल रही होगी, मतलब उसको भी टेंशन है इसलिए बात नहीं कर रही है, हमारी जान फोन नहीं उठा रही होगी। और यही सब चीज़ें हैं दोस्तों, और हम बहुत परेशान हैं। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि सूरज भैया चले जाओ। हाँ भैया, आप लोग का भी कहना सही है, मैं चला जाऊँगा, लेकिन मम्मी मान जाती तो ज़्यादा बेटर रहता, और कहीं मैं जाता तो अच्छा लगता, क्योंकि माँ के बिना दुनिया अधूरी जाती है दोस्तों। बस यही सब चीज़ें हैं और हम क्या बताएं, बहुत टेंशन है। क्या कर दिया मैं ये सोच कर बहुत पछताता हूँ दोस्तों, बस आंसू नहीं निकलता है, दिल रोता है। मैं कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा, वाकई दिल से बोल रहा हूँ, मैं कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा, लेकिन आज हो गया है, आज मेरे साथ वही चल रहा है। देख रहे हुलिया कैसा हो गया है, ये तो मैं 2-3 सेट कपड़ा लेकर आया था डिग्गी में डाल के कि एक दिन नहीं मानेगी दूसरे दिन तो मान जाएगी, लेकिन कल भी नहीं मानी, परसों भी नहीं मानी, आज देखता हूँ क्या है क्या नहीं। बस भगवान से चर्चा में गई है, भगवान से ही निवेदन है कि आप एक बार बस मौका मुझे दे दीजिए कि मेरी मम्मी मान जाए, मुझे एक्सेप्ट कर ले। तो दोस्तों यही सब चीज़ है, मैं भगवान से बस यही कहूँगा कि एक बार मौका दे दीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं मम्मी कब आ रही है, और मम्मी आएंगी मैं वीडियो बनाकर डालूंगा, क्या बोलेंगी ये मैं बोला था। आप देखिए, आप अगर बोलेंगे तो मैं नहीं डालूंगा, लेकिन अगर नहीं डालूंगा तो आपको पता कैसे चलेगा दोस्तों, और इसलिए मैं वीडियो डालता हूँ कि आप लोगों को भी पता चले कि मेरे साथ क्या बीत रहा है। तो अगर आज मम्मी नहीं एक्सेप्ट करेंगी तो मैं खलीलाबाद चला जाऊंगा दोस्तों, और फिर मैं आऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं मम्मी को नहीं मनाऊंगा, मनाऊंगा जब तक मेरे से हो पाएगा तब तक मैं मनाऊंगा। बस इतना ही, बस आप लोग अपना हौसला दीजिए और आप लोग अपना प्यार दीजिए, बस आप बताइए कि मेरे साथ क्या है। दोस्तों बहुत लोग कह रहे हैं कि झूठा है व्यू के चक्कर में, अरे व्यू के चक्कर में मैं कर सकता हूँ, मम्मी का तो रिएक्शन व्यू के चक्कर में तो नहीं आएगा ना दोस्तों, मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, मम्मी नहीं कर सकती दोस्तों। तो मुझे किसी से लेना देना नहीं है, बस आप लोग हमें जानते हैं मैं कैसा हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। चलिए दोस्तों, मम्मी कब उठते हैं, देखते हैं मम्मी कब आती हैं।